तो दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे पहली खबर है, दीपिका, करीना और श्रद्धा के डिजाइनर ने किया लिंग परिवर्तन का ऐलान, नई पहचान को दिया नाम साहिशा। सिनेमा के पर्दे के पीछे रहने वाले कलाकार अक्सर गुमनामी में ही रहते हैं, जब तक कि उनके जीवन में कुछ अतरंगी सा ना कर बैठे। ऐसा ही कुछ किया है सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर स्वप्निल सिंधी ने। उन्होंने नए साल में अपनी पहचान बदल कर साहिशा कर ली है। स्वप्निल के मुताबिक इस बात का अंदाजा उन्हें कॉलेज से ही हो गया था। वह पुरुष की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन ये बात उन्हें 6 साल पहले ही समझ आई कि उन्होंने लोग भले पुरुष समझते हों, लेकिन असल जिंदगी की अनुभूतियाँ कुछ और ही हैं। अगर आपको हाल ही में OTT पर रिलीज हुई अक्षय कुमार और कार्य आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी देखी हो, तो उसमें बुर्ज खलीफा की शान में गाया गाना एक गाना जरूर याद होगा। इस गाने में अक्षय और अपनी से आधी उम्र कायरा आडवाणी के साथ अजीब गजीब भव और दहे सरना बना रहे थे, लेकिन यह गाना का जिक्र कायरा आडवाणी की पोशाक की वजह से है। ये पोशाक इन दिनों मुंबई का नया फैशन ट्रेंड है और इसे डिज़ाइन किया गया है स्वप्निल सिंधी ने। स्वप्निल सिंधी के काम पर नज़र रखने वाले एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली फैशन डिजाइनर मानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल के फैशन की पढ़ाई करने वाले स्वप्निल ने अपने बेंच में प्रभावित छात्र रहे थे। वह कहते हैं कि कॉलेज के समय में काफ़ी शर्मिल स्वभाव का व्यक्ति था, मैंने अपने ही भीतर घुटा रहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि लड़कों की तरफ मैं खिंचाव महसूस करता हूँ। इस बारे में मैंने एक दो लोगों से बात करी तो उन्हें समझ आया कि सैमलिंग होना कोई बुरी बात नहीं। मैं खुद को गे मान लिया, लेकिन अब भी मैं खुद को समझ नहीं पाया था। स्वप्निल सिंधी के मुताबिक 6 साल पहले उन्होंने इस बात का एहसास होना शुरू हुआ था। उनके शरीर में भले ही देखने में पुरुष जैसा कदकाठी हो, लेकिन अकेले में उनका शरीर की संचालना पुरुष जैसी नहीं लगती थी। इस पर मंथन के बाद स्वप्निल को समझ आया कि उनकी दैनिक अनुभूति किसी स्त्री की तरह है और उन्हें गुण भी सौंधित हैं। इस बात स्वप्निल ने अपने भीतर छुपी इस स्त्री की खोज शुरू की और चिकित्सक से मुलाकात की। बुधवार को उनकी खोज पूरी हुई और उन्होंने खुद को दुनिया को अपना नया परिचय दिया। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने इसका पूरे बदलाव की कहानी बताई और अपना नाम भी बदलकर साहिशा रख दिया है। स्वप्निल उर्फ स्वप्निल बिंद्री का फिल्म इंडस्ट्री का नाम बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है। लोग उनके काम और उनके हुनर की खूब तारीफ करते हैं। प्रभास और श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म शाहू में उन्होंने ही श्रद्धा कपूर की सारी डिजाइनर ड्रेस करी थी। करीना कपूर को नियमित फैशन डिजाइनर है और आईफा फिल्म फेस्टिवल में दीपिका भी उनके डिजाइन हुए कपड़े पहन चुकी है। दीपिका के स्वप्निल एज अ ऑडियंस के तौर, एज अ फैंस के तौर पर उनके बारे में अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ भावनाएं जताते रहते हैं। तो आपकी क्या राय है उनके लिंग परिवर्तन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। A few moments later. तो दोस्तों, दूसरी खबर है क्रिम दिशान के बारे में। तो पति केन वेस्ट से तलाक लेने जा रही है क्रिम दिशान, महीनों से अलग रह रहे हैं सेलिब्रिटी कपल। तो क्रिम दिशान बेहतरीन टीवी स्टार, अमेरिकन मॉडल, बिजनेस वूमेन, सोशलाइट महिला। वैसे तो क्रिम अपने बोल्ड अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में। खबर आ रही है क्रिम अपने पति केन वेस्ट से तलाक ले सकती हैं। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पता जा रहा है कि दोनों इस समय अलग रह रहे हैं। खबरों की माने तो वह अपने 4 बच्चों के साथ लॉस एंजल में रह रही है, जबकि उनके पति मशहूर रैपर केन वेस्ट इस समय वोमिंग अपने फार्म हाउस में रह रहे हैं। सूत्रों की माने तो क्रिम ने खुद को ही केन से अलग करने का फैसला किया। बता दें, क्रिम ने रैपर और फैशन डिजाइनर काय वेस्ट से 2014 में शादी की थी। केन ने पहले क्रिम के 2 बार और शादी कर चुके हैं। क्रिम देसाई हमेशा ही अपनी बातों के चलते विवादों में रहती हैं। क्रिम देसाई अपने सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले रियलिटी स्टार हैं। क्रिम ने एक किताब भी लिखी थी जिसका शीर्षक था क्रिम दिशान कॉन्फ्लिक्ट। क्रिम ने प्लेबॉय मैगजीन 2007 में न्यूड तस्वीर भी खिंचवाई थी और भी उनके पति बीते दिनों अमेरिका चुनाव को लेकर चर्चे में हैं। क्रिम देसाई उनकी कवर बॉडी के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड की टॉप मॉडल में से एक क्रिम देसाई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। क्रिम का पूरा परिवार भी सेलिब्रिटी से कम नहीं। क्रिम के पिता रॉबर्ट देसाई अमेरिका के बड़े वकील हैं। उनकी माँ क्रिम देसाई भी जानी मानी सेलिब्रिटी हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। A few moments later. तो दोस्तों, तीसरी खबर है उम्मीद 2021। वाणी कपूर की ये 3 फिल्में लाइन में रिलीज होने को तैयार, बोली, ऐसा एहसास पहले कभी बार नहीं हुआ है। हिंदी सिनेमा के तमाम बड़े छोटे मंझले सितारों के लिए 2021 निर्णायक साल होने वाला है। एक साथ नए पुराने सारे सुपरस्टार्स बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम देखने को मिलेगा। इस साल नामचीन कलाकारों को रिलीज होने वाली निम्नधारी फिल्म की रिलीज में आज बात वाणी कपूर की है। वाणी कपूर की 2021 की 3 बड़ी फिल्में जो रिलीज होने वाली है, उनके करियर में यह पहला मौका होगा जब एक साल
एक ही में उनकी तीन तीन फिल्में रिलीज होंगी। वाणे कपूर के करियर में वॉर ने रफ्तार पकड़ दी जब ऋतिक रोशन के साथ घुंघरू गाने में बवाल काटने वाला ये हसीन इस साल अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना के साथ दिखेगा। वाणे कपूर मानती हैं ये साल एक कलाकार के रूप में उन्हें कौशल हर रूप दिखाने के लिए मदद करेगा। वाणे कपूर कहती हैं मैं 2021 को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ, इस साल मेरी तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ये तीन फिल्में हैं शमशेर, बेल बॉटम, चंडीगढ़ करे इश्क, एक दूसरे से बहुत अलग है। कार्थिक के आधार पर अलग अलग तरह की फिल्में का चयन करने के अलावा वाणे कपूर एक बड़ा कलाकार को भी खुद को अलग अलग करके पर्दे पर पेश करने का बड़ा फैसला है। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वाणी कहती हैं यह सच कहा आपने कि इसमें बतौर कलाकार मेरा अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। मैं सदैव एक ऐसी अभिनेत्री चाहती हूँ जो खुद के प्रदर्शन के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत और जोखिम लेने से ना कतराए। ऐसा करने से मैं सर्वश्रेष्ठ बतौर अभिनेत्री पर्दे पर प्रस्तुत कर सकूँगी। मुझे खुशी है कि मैं तीन फिल्मों में मुझे बतौर अभिनेत्री विकसित से मेरी काफ़ी मदद की है। वाणे कपूर 2021 में प्रवस्थित तीन फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब उनका पोस्ट प्रोडक्शन काम तेजी से चल रहा है। इन फिल्मों की रिलीज की तारीख तो अभी तक तय भी नहीं हुई है लेकिन वाणे कपूर उनके प्रचार प्रशासन के होने वाली की तैयारी को लेकर अभी से उत्साहित है। वो कहती हैं कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके निर्माता निर्देशक से उन्होंने कितना कुछ सीखा है जिसके बारे में सबको बताना चाहती हैं। वाणी के मुताबिक फिल्में ऐसी हैं जिनको उनको बतौर कलाकार अपना विस्तार करने में काफ़ी मदद की जाएंगी। इसके घर पर उनको कई फिल्में की पार्टिकल का ढेर लगा है, वह खूब पढ़ रही हैं और नए कहानियों को सुन रही हैं। कोशिश कर रही हैं कि ऐसी फिल्में चुनी हों जो लीक पर ना लिखी गई हो। वाणी कहती है मैं सदैव कुछ नया सीख कर खुद को बेहतर बनाना चाहती हूँ ताकि मेरा कौशल बढ़ सके। एक ऐसे कलाकार के रूप में अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ। वाणी उम्मीद करती हैं कि सिनेमाघर में दर्शकों की तादाद फिर से बढ़ने लगे और लोग फिर से फिल्म को भरपूर मजा दें और सिनेमाघरों में जाकर देख सकें। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। A few moments later. दोस्तों चौथी खबर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हेयर क्रीम के इस्तेमाल से नहीं बड़े बाल, गुस्से कस्टमर ने विज्ञापन करने वाले एक्टर पर थोका मुकदमा। तो केरल के एक कंज्यूमर कोर्ट में हेयर क्रीम प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत दवा करने को लेकर मलयालम अभिनेता को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल अभिनेता ने इस हेयर केयर के असर के बारे में बिना जाने ही इसका विज्ञापन कर दिया है। अभिनेता का नाम अनुपम मने बताया जा रहा है जिनके ऊपर इस मामले का जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों के उपभोक्ता फोरम की धात्री हेयर क्रीम बनाने वाली कंपनी और फिल्म अभिनेता अनुपम सेन के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल फ्रांसी क्लिडिकल नाम के एक शख्स ने एन मेडिकल धात्री आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड में अनुपम मने के खिलाफ 2012 में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में विकेंड ने बताया है कि पहली बार इस हेयर क्रीम को जनवरी 2012 में 337 रुपये में खरीदा था। इस हेयर क्रीम में उन्होंने एक विज्ञापन देखने के बाद खरीदा था जिसमें अनुपम मने वादा करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में से हफ्ते तक इस्तेमाल करने में बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यह क्रीम इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने फोरम से शिकायत दर्ज कराई और उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करी। फोरम ने सामने मांगे जवाब में अनुपम सेन ने कहना है कि उन्होंने कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, वो तो सिर्फ अपनी माँ द्वारा तैयार किए गए तेल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में क्या बोला जा रहा है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टोर ना था। उन्होंने लगता है कि यह प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ नहीं बल्कि हेयर केमिकल है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दोस्तों पांचवी और आखिरी खबर है शूटिंग रिपोर्ट। आदित्य नारायण की पत्नी को देख जज रह गए अवक, निचिकेत ने धार किया ये अनोखा रूप। तो छोटे पर्दे के चर्चित म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन आइडल में इस हफ्ते फैमिली ड्रामा में तमाम नए सीन देखने को मिलने वाले। शूटिंग के दौरान इस बार शो के होस्ट आदित्य नारायण मंच पर अपनी पत्नी चेतन नंदा के साथ पहुंचेंगे। इस नई नवेली जोड़ी को अपने बीच पाकर शो के प्रतिबद्ध दंग रह गए हैं। शो के जज भी यह काफ़ी आश्चर्यचकित नजर आए। इन लोगों की खुशी तब दुगनी हो गई जब दोनों ने उनका खूब मनोरंजन किया है। शहरी दर्शकों के बीच टॉपर चैनल में अपना नाम बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में शो में इंडियन आइडल इस बार पहला एपिसोड फैमिली ड्रामा होने जा रहा है। इस एपिसोड में गायक उदित नारायण उनकी पत्नी तो मौजूद रहेंगी तो उनकी बहू श्वेता नंदा भी, जिनकी हाल ही में इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण से शादी हुई थी। इस वीकेंड दर्शकों को निकिता लैला की डबल डोजना परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो महिला और पुरुष दोनों की आवाज़ में गाएंगे। आधे सीधे गाने पर
करते हुए तो आधे पुरुष और आधी महिला के रूप में कपड़े पे नजर आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस को खास तौर पर कोरियोग्राफ किया जाएगा ताकि दर्शकों और जजों को थिएटर देखने का एहसास हो। उनकी परफॉर्मेंस देखकर सारे दंग रह जाएंगे। वैसे भी हर हफ्ते प्रभावशाली सिंगर की परफॉर्मेंस को देखकर सभी आवक रह जाते हैं। नेहा और विशाल तो उनकी शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए नहीं सकते हैं। मेरे से मैंने शूटिंग के दौरान ये से कहा था कि आप एंटरटेनमेंट की दुकान की तरह हो। हर गुजरते हफ्ते के साथ आप खुद को न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर के रूप में साबित करते हो बल्कि एक शानदार परफॉर्मर के सभी साबित हो। एक ऐसी क्वालिटी जिसके बारे में खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस रफ्तार के साथ तो इंडियन आइडल के फाइनल आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये थी आज की बॉलीवुड की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बॉलीवुड खबरों को और सब्सक्राइब कर लो बॉलीवुड खबरें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे बॉलीवुड की। तो थैंक यू आज की वीडियो।